तो हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग आ गए, तो चलो हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे वाली वीडियो में मैंने ये किलोमीटर को वाइट सीमेंट किया था, तो आज मैं इस किलोमीटर को लिखने के लिए आ गए हूँ और किलोमीटर लिख भी दिया आपको, मैं दिखाता हूँ। देख लो, चंद्रनगर 3, चंद्रनगर 1 किलोमीटर यहाँ से होता है। तो ये देख लो कैसा लग रहा है लिखने में। और इस तरफ भी देख लो, वलाना 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर मैंने लिख दिया है। तो अगर वाइट सीमेंट मैंने नहीं किया होता तो लिखने में बहुत टाइम लगता। आज मैं यही काम करने वाला हूँ, सारे किलोमीटर लिख डालूंगा, ठीक है? तो चलो आगे काम करता हूँ अभी मैं। तो हेलो भाई लोग, किलोमीटर को मैंने लिख दिया है, कलर भी कर दिया है। लेकिन अभी एक काम कर रहे हैं, कुछ कलर बाकी रह गया था कलर करने का, तो अभी हम कलर लगा रहे हैं। देख लो, ये तालाब में से पानी लिया है। तो कल ये कलर करने का बाकी रह गया था पत्थर, तो कल कुछ पत्थर बाकी रह गए थे, ठीक है, कलर किए बगैर। तो आज वो कलर हम कर देंगे, ठीक। तो ये कलर बनाकर तो हेलो भाई लोग, 2nd किलोमीटर से हमने चालू किया था, ये 4th वाले किलोमीटर तक हम पहुंच गए। देख लो, ये मैंने लिखा हुआ है विरमगाम 4 किलोमीटर। तो यहाँ से होता है विरमगाम 4 किलोमीटर, ठीक है। और ये रास्ता बहुत ही सुनसान है, हमको 4 रोड मिली लेकिन वो 4 रोड सुनसान है। देख लो, जंगल जैसा दिख रहा है सब। ये देख लो, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, कोई वाहन यहाँ से निकलता नहीं है, इतनी सुनसान रोड है। लेकिन क्या है, काम करना है तो काम करेंगे, ठीक है। तो अभी एक बाल्टी कलर हमने ख़त्म कर दिया, अब दूसरी बाल्टी बनाने वाले। तो भाई लोग, अभी 1 बज रहा है और खाना खाने के लिए बैठना है, ठीक है। लेकिन पानी यहाँ पे मिल नहीं रहा है, पानी की बोतल मैंने यहाँ पे गांव में जाके देखा तो वहाँ पे भी नहीं मिल रही। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से विरमगाम होता है 5 किलोमीटर, विरमगाम जाके बोतल लेकर आना पड़ेगा। लेकिन चलो पहले खाना खा लेते, ठीक है। तो आज भी देख लो, ऐसे जंगलों में खाना खाने के लिए बैठना पड़ता है। तो आज भी ऐसे जंगल जैसे इलाके में हम खाना खाने के लिए बैठेंगे, ठीक है। तो देखो वहाँ पे है रोड और यहाँ पे हम खाना खाने के लिए बैठेंगे। एक बाइक निकली है अभी, देख लो, आधे घंटे के बाद ये एक बाइक निकली है। तो हेलो भाई लोग, अभी मैं पहुँच चुका हूँ 5वें किलोमीटर के पास। ये देख लो, ये रहा 5वां किलोमीटर, लेकिन बाइक पड़ी अभी भी 4थे किलोमीटर के पास। तो मैं लेने के लिए कैसे जाऊंगा वो सोच रहा हूँ। ये रहा 5वां किलोमीटर। तो अभी चलकर बाइक लेने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक पड़ी है 4थे किलोमीटर के पास और मैं पहुंच चुका हूँ 5वें किलोमीटर के पास, यानी कि 1 किलोमीटर का दायरा है। तो वहाँ पे चलकर जाऊंगा, फिर बाइक लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी तो साधन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी आ रही है लेकिन गाड़ी वाला नहीं रोकेगा। लेकिन अभी चलकर जाने पड़ेगा 1 किलोमीटर, फिर बाइक लेके आएंगे हम। देखो वो, ये बोले बाइक के जाओ काका, तो ये चाचा ने भी नहीं रोकी बाइक। देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे बाइक पड़ी है, वो देख लो, आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है जो ये बाइक पड़ी। ये बाइक नहीं, वो उससे आगे वाली, ये यहाँ पे है बाइक, जो छोटा सा दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे है बाइक। तो चलो कोई बात नहीं, अभी चलते चलते जाएंगे, फिर बाइक लेकर आएंगे, ठीक है। और बाइक लेकर काम तो अभी ख़त्म हो गया, काम बस कितना आधा किलोमीटर बचा था, यानी कि 20 पत्थर बच गए थे। तो इसको वो कलर लगा रहा है, तो मैं बाइक लेके उसके पास जाऊंगा, ठीक है। तो चलो फटाक से बाइक के पास पहुंचते हैं। तो भाई बाइक के पास पहुंच चुका हूँ मैं, वो देख लो। तो वो देख लो, ये रही बाइक, देख लो कहाँ से मैं चल कर आया, वो छोटी सी बाइक दिख रही है, वहाँ से मैं चल कर यहाँ पे आया हूँ। 1 किलोमीटर का फासला हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। ये रही बाइक, तो कलर भी यहाँ पे पड़ा है, ये रहा देखो कलर। तो कलर भी यहाँ पे था, तो वहाँ पे कलर भी खत्म हो गया है। तो ये कलर लेके मैं जाता हूँ, फिर कलर बनाकर इस पत्थर बच के उसमें कलर कर देंगे, ठीक है। तो चलो फटाक से मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो हेलो भाई लोग, अभी 3 बज रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा चाय लेके चलते हैं, ठीक है। तो चाय लेने के लिए आ गया। चाय पैक करवा ली है, अब लेकर जाएंगे हम।
चबलू वाले का बाइक मिले जाए चबलू। तो चाय पैक करवा ली, अब चाय लेके जाएंगे। तो चलो चाय पी लेते अब। तो हेलो भाई लोग, तो अभी 5 बज रहे हैं शाम के और काम सब हमने ख़त्म कर दिया है। सब पत्थर को कलर मार दिया और आज भी देख लो कलर वाले हो गए। तो अभी बस कुछ काम नहीं करना, तालाब में हाथ धोकर फिर चले जाएंगे घर के। देख लो ये तालाब है, बहुत ही खूबसूरत तालाब है। देखो ये ब्रश भी अब धो देंगे ताकि दोबारा काम आए। तो ब्रश सब धोकर रख देंगे ताकि फिर काम आए, ठीक है। तो चलो हाथ धोकर फिर चलते यहाँ। तो हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं आ चुका हूँ मांडल, क्योंकि हमने जो मांडल वाली साइड है वो स्टार्ट कर दी है। देख लो ये पत्थर हमने लगा दिए कल, बहुत सारे लगा दिए, ठीक है। जो पत्थर लगाए उसको मैं गिन रहा हूँ, ठीक है, कितने पत्थर लगाए या नहीं लगाए। तो हेलो भाई लोग, मैं अभी गिनते गिनते यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पत्थर गिर गए थे तो मैं देखने के लिए आया था। देख लो ये पत्थर हमने लगाए हैं। तो बलाना वाली साइड तो हमने ख़त्म कर दी, पर अभी मैं आ गया हूँ मांडल, ठीक है। यहाँ पे काम करेंगे अभी कुछ दिन। वहाँ पे देखो बेर दिखाई दे रहे, बेर खाते हैं। चलो ठंड का मौसम आ गया और ठंड के मौसम में बेर खाना बहुत अच्छा लगता है, खट्टे मीठे होते हैं। यहाँ पे देख लो बेर का पेड़ है, बहुत सारे बेर लगे हैं। ये रहा देख लो, ये रहे देख लो, खट्टे बहुत। यहाँ पे नीचे भी बहुत ज्यादा पड़े देख। ऊपर बहुत ज्यादा है लेकिन ऊपर कैसे पहुंचेंगे, वहाँ ऊपर बहुत ज्यादा है। एक और अंदर भी है देख लो, वहाँ पे अंदर भी है, तो वहाँ पे भी जाके देखेंगे। तो अभी मैं अंदर की साइड आ गया हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी इतने सारे बेर नहीं दिख रहे, क्योंकि देखो रोड पास ही में, ठीक है। तो यहाँ पे चलने वाले लोग पेड़ को देख के खाने के लिए रुक जाते हैं, ठीक है, तो वो सब खत्म कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा बेर दिख नहीं रहे। ये देख लो यहाँ से सब तोड़ दिया है, ये लकड़ी मार मार के सब ले लेते हैं, ठीक है, ठीके? तो दिखाई दे रहे हैं सिर्फ, वहाँ पे भी लकड़ी मारी हुई है देख लो। तो यहाँ पे भी तो इतना नहीं मिलेगा, खेत के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कोई लोग जाते नहीं है, तो फिर वहाँ पे कोई खाता नहीं, ठीक है। इस कैनाल में किसी का आवाज़ आ रहा है, मैं देख रहा हूँ किसका आवाज़ आ रहा है यार, कब से कुछ चिल्ला रहा है। वहाँ पे देखो कुत्ता फंसा हुआ है, यहाँ पे ये देख लो कुत्ता फंसा हुआ है। ये रहा देखो छोटा सा पप्पी कैसे देख रहा है मेरे सामने। तो इसके अंदर वो फंसा हुआ है, मुझको लगा फंसा है लेकिन वो फंसा नहीं है, उसकी मम्मी देखो इसके अंदर बैठी हुई है, ठीक है। तो वो बस वहाँ पे खेलने के लिए गए, वो तो निकल जाएगा आराम से, अंदर बाहर निकल जाएगा। तो ठीक है, वो वहाँ पे खेलने के लिए गए तो उसको कुछ छेड़ेगा नहीं, उसको वहाँ पे ही रहने देंगे, ठीक है। वो यहाँ पे देखो एक नहीं दो दो है, यहाँ पे देख लो, लेकिन यहाँ से तो यहाँ से वो निकल जाएगा आराम से। तो ठीक है चलो अब हम हमारे काम पे जाते हैं, ठीक है। मुझको लगा कि पपी फंसा हुआ है लेकिन फंसा नहीं, अगर फंसा होता तो मैं निकाल देता, ठीक है, लेकिन वो फंसा नहीं, खेल रहा है तो उसको खेलने देते हैं और हम हमारे काम पे चलते हैं। चलो ठीक है, ऐसी कैनाल है देख लो, और वहाँ पे वो पप्पी फंसा हुआ था वहाँ पे।